एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। इस वीडियो में हम लोग ओड टू ऑटम का क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको टाइमली मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी आपको रिमाइंड कर दूँ कि अगर आपने ये चैप्टर मिस कर दिया एक्सप्लेनेशन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको प्ले लिस्ट में भी सारे वीडियोज़ एक जगह पर मिल जाएंगे, आप वहाँ भी जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सीजन ऑफ ऑटम डू टू द ट्रीज एंड वाइन्स, हुज हेल्प डज इट टेक इन द प्रोसेस। द सीजन ऑफ ऑटम जॉइंस विद द मैच्योरिंग सन टू लोड द वाइन्स विद ग्रेप्स टू राइपन एप्पल्स एंड अदर फ्रूट, स्वेल द गॉड, फिल अप द हेजल सेल्स एंड सेट बडिंग मोर एंड मोर फ्लावर्स, इट टेक्स द हेल्प ऑफ मैच्योरिंग सन। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द लाइन्स एंड फिल ऑल द फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर टू स्वेल द गॉड। द सीजन ऑफ ऑटम जॉइंस विद द मैच्योरिंग सन टू लोड विथ वाइन्स, लोड द वाइन्स विथ ग्रेप्स टू राइपन एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स। इन दिस सीजन द गॉड स्पेशली पम्पकिंस गेट अ बिग साइज एंड द हेजलनट्स get plum deep inside. How does the speaker personified autumn in the poem? तो पूरे poem में हम लोग personification ही देखे हैं। Personification का मतलब होता है कोई भी निर्जीव चीज़ जो है, कोई भी non living things है, उसको as a living thing जब हम लोग दिखाते हैं, पेश करते हैं, तब बोलते हैं कि उसको personify किया गया, मतलब उसको as a person दिखाया गया। तो autumn तो कोई इंसान है नहीं, कोई person है नहीं, ना ही सन कोई इंसान है। तो यहाँ पे इस पोएम में हम लोग देखें कि ऑटम को एज अ पर्सन ट्रीट किया गया, एज अ वूमेन ट्रीट किया गया और उसको दिखाया गया उसके बारे में, तो इसको ही पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। इन दिस पोएम द सीजन ऑफ ऑटम इज पर्सोनिफाइड इन वेरियस वेज, बहुत तरीके से पर्सोनिफाई किया गया। फर्स्ट, द ऑटम इज पर्सोनिफाइड एज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द सन, पहला तो उसको क्लोज फ्रेंड बताया गया सन का। सन का कोई दोस्त हो सकता है क्या? रियल में नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बताया गया, पर्सोनिफाई किया गया। ऑटम इज पर्सोनिफाइड एज वन कॉन्स्पायरिंग विद द सन टू राइपन फ्रूट्स, ये भी बताया गया कि ऑटम जो है सन के साथ मिल करके ये प्लानिंग कर रहा है ताकि सारे फ्रूट्स जो है वो पक जाए। द सीजन ऑफ ऑटम इज पर्सोनिफाइड टू अ लिविंग बींग पॉसिबली अ वुमेन, एक वुमेन की तरह पूरे पोएम में उसको ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है। नंबर फोर, विच सीजन डज द स्पीकर कंपेयर ऑटम टू इन द लास्ट स्टैंजा एंड व्हाई, ऑटम को स्पीकर ने लास्ट स्टैंजा में कौन से सीजन से कंपेयर किया है। ऑटम इज कंपेयर्ड टू द सीजन ऑफ स्प्रिंग इन द लास्ट स्टैंजा बिकॉज ऑटम इज सीन एज अ म्यूजिशियन एंड द म्यूजिक विच ऑटम प्रोड्यूसेज इज एज प्लीजेंट एज द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग, द साउंड्स ऑफ नेट्स, लैम्स, क्रिकेट्स, रॉबिन्स एंड स्वेलोज। अगर आप पोएम पढ़े हैं एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लास्ट स्टैंजा में जो दिया गया है उसमें बहुत सारे म्यूजिक्स के जो सोर्स है वो ऑटम में मिलता है। ऑटम में ये सारे चीज़ों के, ये सारे इंसेक्ट्स है, लैम्स है, क्रिकेट्स ये सब है, बर्ड्स है कुछ, तो उनके जो साउंड्स है, उनके जो म्यूजिक है वो ऑटम में आते हैं, जो कि स्प्रिंग सीजन के बराबर है। स्प्रिंग में भी म्यूजिक होता है, प्लीजेंट म्यूजिक, तो वैसा ही प्लीजेंट म्यूजिक ऑटम में भी मिल जाता है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यही चीज़ लास्ट स्टैंजा में पोएट ने बताया है। नेक्स्ट है, मेंशन द ऑनोमेटोपोइक वर्ड्स क्या होता है एक्चुअली। जब कोई वर्ड हम लोग बोलते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट आता है म्यूजिक का, ठीक है, मतलब वर्ड में ही लगता है कि वो म्यूजिकल है, तब वैसे वर्ड को ऑनोमेटोपोइक बोलते हैं। जैसे ऊजिंग, ऊजिंग जब हम लोग बोल रहे हैं, ये सेंटेंस यूज़ किया गया है आपके पोएम में जिसमें ऊजिंग वर्ड का यूज़ किया गया, ऊजिंग ऐसा लग रहा है कि इसमें वाइब्रेशन है, ऊजिंग कुछ इसमें म्यूजिक है। ब्लीट, तो ब्लीट जब हम लोग बोल रहे हैं तो ब्लीट में ही ऐसा लग रहा है कि कोई बीट आ रहा है, कोई म्यूजिक आ रहा है, मतलब कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऐसे वर्ड्स को ही ऑनोमेटोपोइक वर्ड्स बोलते हैं। तो ये इस लाइन में यूज़ किया गया है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स होते होंगे।
उसके बाद A2 में लाइन दिया गया है पोएम से, दी सिटिंग केयरलेस ऑन द ग्रेनरी ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर डॉट डॉट मैंने किया है, या आप बुक से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, हु और व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू एज दी, दी किसको कहा गया है, द सीजन ऑफ ऑटम को दी क्या कहा गया है। एक्सप्लेन द फ्रेज सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, इस फ्रेज को एक्सप्लेन करो, जमीन पे ग्रेनरी फ्लोर पे जहाँ पे ग्रेन्स रखे जाते हैं वहाँ पे केयरलेसली बैठे हुए हैं। इट कैन बी सीन इन द ग्रेन विच कवर्स द फ्लोर मार्किंग द एंड ऑफ द हार्वेस्ट, केयरलेस रेफर्स टू द फैक्ट दैट वर्क इज डन एंड लाइफ इज वंस अगेन केयर फ्री। इसका मतलब ये है कि जब ग्रेन ग्रेनरी में आ जाता है, फ्लोर पे बिखरा हुआ रहता है, वो ड्राई होने के लिए रखा जाता है, बहुत तरह से मतलब ग्रेन वापस आ गया है ग्रेनरी में, स्टोर में, तो हार्वेस्ट कंप्लीट हो गया। ये क्या साइन दे रहा है, ये साइन दे रहा है कि एंड ऑफ हार्वेस्ट हो गया, मतलब कटाई का जो टाइम होता है वो हो गया, इसलिए उसके बाद केयरलेस हो गया है वो जो लेडी है, मतलब ऑटम को लेडी की तरह ट्रीट किया गया, वो केयरलेस होकर के बैठा हुआ, क्यों, क्योंकि हार्वेस्टिंग का काम पूरा हो गया है और लाइफ जो है फिर से केयर फ्री हो गया है। कमेंट द मूड डिस्प्लेड इन द अबव लाइंस, इस अबव लाइंस में क्या मूड है। द मूड डिस्प्लेड ओवर हेयर इज काम एंड रिलैक्स एज इफ द वर्क इज ओवर एंड शी इज सिटिंग केयरलेसली, जैसा कि काम पूरा हो गया है इसलिए वो आराम से बैठी हुई है, रिलैक्स है और काम है, मतलब शांत है क्योंकि काम खत्म हो गया है, तो मूड वहाँ पे रिलैक्स और काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लाइंस है वो है, व्हाइल बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू। सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब ही होता है इवनिंग का टाइम, जब सूरज डूब रहा होता है। स्टबल प्लेन्स मैंने पोएम में भी अच्छे से बताया था, जब हम लोग देखे हैं खेत में, धान का खेत हो चाहे वीट का खेत हो, गेहूं का खेत हो, वहाँ पे जब फसल तैयार हो जाता है, कटाई होता है, तो काटने के बाद जैसे ये क्रॉप है तो कटाई यहाँ से होता है नीचे से, तो नीचे में थोड़ा सा पार्ट ये बच जाता है, पूरे खेत में ऐसे ऐसे पूरा पड़ा हुआ रह जाता है, नीचे का जड़ का जो ऊपर का पार्ट रहता है उसको स्टबल प्लेन्स कहा गया है। विच सीजन ऑफ द ईयर इज बींग, यहाँ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मतलब कौन सा सीजन को यहाँ पे रेफर किया गया है, द सीजन ऑफ ऑटम, व्हाट इमेजरी कम्स टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द अबव लाइंस, ये जो अबव लाइंस पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आपके क्या छवि आया, क्या पिक्चर बन रहा है। द सीन इज द टाइम ऑफ इवनिंग व्हेन सनलाइट इज फॉलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्टबल प्लेन्स, और ये जो कट करने के बाद, ये जो क्रॉप का जो ये है प्लांट है, ये कट करने के बाद जो नीचे छोटा छोटा बच जाता है उस पर सनलाइट पड़ता है इवनिंग के टाइम पे, और वो रिफ्लेक्ट होता है और बहुत सुंदर सुनहरा टाइप का वहाँ पे एक व्यू बनता है। अगर आप खेत में अगर देखे होंगे इवनिंग के टाइम में तो आपको अच्छे से पता होगा, दैट इज़ द क्रॉप्स विच वेयर कट डाउन एंड द लोअर पार्ट वॉज लेफ्ट, क्रॉप का जो लोअर पार्ट है उसको छोड़ दिया जाता है, उसी के बाद उसी को स्टबल प्लेन कहा जाता है, और उस पर जब लाइट पड़ता है सन का, डूबते हुए सूर्य का, तो बहुत अच्छा व्यू बनता है। एक्सप्लेन द फ्रेज सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग डे एक्सप्लेन करो, द डे इज डाइंग एट द सनसेट, दिन जो है वो ख़त्म हो रहा है सनसेट के टाइम पे, बट इट्स नॉट अ ट्रैजिक और वायलेंट डेथ, लेकिन ये कोई दुख भरा एंड नहीं है दिन का, दिन तो शाम को ख़त्म हो रहा है लेकिन दुख भरा खात्मा तो नहीं हो रहा है, वो डेली का रूटीन है, शाम को ख़त्म होता है दिन, इट्स सॉफ्ट एंड जेंटिल, ये सॉफ्टली ख़त्म हो रहा है दिन जो है, सुबह से शाम तक रहा, शाम को दिन जो है सॉफ्टली जेंटली ख़त्म हो रहा, द रेडिश कलर ऑफ द सनलाइट टच द फील्ड्स जेंटली, सन का जो रेडिश कलर है, हल्का लालिमा जो लिए आती है वो सूर्य का किरण, वो फील्ड को जो है वो जेंटली आराम से धीरे से टच करती है, द फील्ड्स हैव बीन हार्वेस्टेड सो ऑल दैट इज लेफ्ट इज फ्लैट स्टबल ऑफ क्रॉप, और फील्ड तो हार्वेस्ट हो चुका है मतलब कटाई हो चुका है, कटाई होने के बाद जो नीचे स्टबल ऑफ क्रॉप जो बच गया है लेफ्ट ओवर जो, उसके ऊपर लाइट पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करता है और व्यू अच्छा होता है। नेक्स्ट है थिंक एन आंसर, थिंक एन आंसर का क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, आंसर मैंने डायरेक्टली कराया है, द पोएट जॉन कीट्स शोज हिज पॉजिटिवनेस टुवर्ड्स द सीजन ऑफ ऑटम एंड टेक्स नोटिस ऑफ थिंग्स द रेस्ट ऑफ अस माइट मिस, तो जॉन कीट्स जो स्पीकर हैं पोएम के
उनके बारे में हम लोगों को क्या पता चलता है इस पोएम में, क्वेश्चन ये है। तो हम लोगों को पता चलता है कि वो कितना पॉजिटिव है ऑटम सीजन को लेकर के, मतलब वो ऐसे ऐसे चीज़ों को नोटिस करते हैं जो सारे चीज़ हम लोग रेस्ट ऑफ द पीपल जो हैं हम लोग मिस कर देते हैं। ही इज़ सेलिब्रेटिंग द यूनिक क्वालिटीज़ ऑफ ब्यूटी ऑफ द सीज़न। वो सेलिब्रेट करते हैं ये जो ऑटम का जो ब्यूटी है, उसका जो क्वालिटीज़ है, यूनिक क्वालिटी, उसको सेलिब्रेट करते हैं। क्या है? लाइक इट्स फ्रूटफुलनेस, इट्स लेबर एंड इट्स अल्टीमेट डिक्लाइन। नंबर टू है क्वेश्चन, आप बुक से देखेंगे। इट इज़ अ रिच सीजन, एबंडेंट विथ हार्वेस्ट, अ टाइम इन विच इट इज ईजी टू फाइंड एप्पल्स फॉलिंग फ्रॉम ट्रीज एंड क्रॉप्स रेडी टू बी पिक्ड एंड टर्न्ड इनटू फूड। ऑटम इज नॉट अ हार्श सीजन लाइक विंटर, व्हेन द अर्थ इज हार्ड विथ फ्रॉस्ट एंड फूड इज हार्ड टू फाइंड इन द वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है B1 में, फोर एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन बहुत सारा यूज हुआ है, जो मैंने 5 लिखवाया है, आप और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको पता है तो आप लिख सकते हैं अपने मन से जो आपको ईजी लगे। क्लोज बॉजम फ्रेंड, क्लोज बॉजम फ्रेंड में पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि ऑटम और सूरज तो कोई इंसान है नहीं जो वो दोस्ती करेगा, लेकिन उसको बताया गया कि क्लोज बॉजम फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो यहाँ पे पर्सोनिफाई हुआ है। दी सीटिंग केयरलेस, ऑटम बताया गया कि ऑटम एज अ वुमेन वो केयरलेसली बैठी हुई है, तो ऑटम जो है वो ना ही इंसान है ना ही वीमेन है, लेकिन फिर भी उसको बताया गया है कि इंसान है, पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। ये दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड, और उसके हेयर जो है सॉफ्ट हेयर जो है हवा में लहरा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ऑटम के हेयर एज अ वीमेन, तो यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन किया गया। ऑटम ना तो इंसान है ना ही लेडी है, और उसका बाल होने का तो फिर सवाल ही नहीं उठता, लेकिन यहाँ पे बताया गया है, तो बताया गया मतलब पर्सोनिफाई किया गया। उसके बाद साउंड अस्लीप, फिर भी उसमें भी फिर बताया गया कि वो साउंड अस्लीप मतलब पूरा एकदम अच्छे से सो रही है, तो ऑटम कभी सो सकती है क्या? वो इंसान है ही नहीं, लेकिन बताया गया कि सो रही है, मतलब उसको पर्सोनिफाई किया गया है, इंसान के तरह दिखाया गया। स्टीडी दाई लैडन हेड, फिर वो अपने सर पे लोड ले करके बहुत संभल संभल करके वो जो रिवर है छोटा छोटा उसको क्रॉस कर रही है, तो पर्सोनिफाई किया गया। दाओ वॉचेस्ट, फिर लास्ट में कहा जाता है कि तुम एप्पल का जो जूस निकल रहा है उससे ऊजिंग जो उसे ड्रॉपलेट्स पड़ रहे हैं उसको तुम ध्यान से देख रहे हो, तो वहाँ भी पर्सोनिफाई किया गया है। ऑटम ये सब काम कर ही नहीं सकता है ना, ऑटम तो इंसान है नहीं, लेकिन यहाँ इंसान की तरह उसको दर्शाया गया है। B2, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, कहावत है, इंग्लिश में कहावत दिए गए हैं, ऑटम ईयर्स एक कहावत है, ठीक है, फ्रेजेस, एडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप सुने होंगे, तो उसका मीनिंग हम लोग यहाँ से चूज करेंगे जिसका आंसर डायरेक्टली लिखा है मैंने। ऑटम ईयर्स का मतलब होता है द लेटर ईयर्स ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, कोई भी इंसान का बाद का जो ईयर्स है उसको बोला जाता है ऑटम ईयर्स। स्प्रिंग फीवर किसको बोलते हैं? स्प्रिंग फीवर, टू बी फीवरिश ड्यूरिंग स्प्रिंग। फीवरिश का मतलब ऐसा नहीं कि बुखार वाला फीवरिश, मुझे फीवरिश लग रहा मतलब बुखार लग रहा, वो नहीं, फीवरिश का मतलब होता है एक्साइटेड होना, ठीक है। तो स्प्रिंग के स्टार्टिंग में या स्प्रिंग के मध्य में जब एक्साइटमेंट होता है तो उसको स्प्रिंग फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है एन इंडियन समर, अ पीरियड ऑफ अनयूजुअली ड्राई वार्म वेदर, मतलब ना चाहता, मतलब हम लोग जो चाहते नहीं, अनवांटेड ड्राइनेस होता है, गर्म सीजन रहता है, उसको हम लोग इंडियन समर बोलते हैं। देन रेनी सीजन, रेनी डे, रेनी डे किसको बोलते हैं? प्रॉब्लमेटिक टाइम, बारिश के दिन आप मतलब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो लोग होमलेस पीपल हैं, गरीब लोग हैं, उसके बाद बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उन लोगों को कितना प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका कोई परफेक्ट अच्छा घर नहीं होता है। जो लोग संपन्न लोग हैं जिनका अच्छा घर है मकान है, वो लोग रेनी सीजन को इन्जॉय करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन एक बार कभी सोचो कि जिनके पास घर नहीं है और जिन जो पेड़ों पे रहते हैं, प्लांट्स पे, ट्रीज़ पे जो अपना दिन गुजर बसर करते हैं, बर्ड्स, वो कैसे रहते होंगे रेनी सीजन में, कितना तकलीफ़ होता होगा उनको, एनिमल्स कितना तकलीफ़ होता है उनको, तो ये प्रॉब्लमेटिक टाइम को दर्शाता है रेनी डे। नेक्स्ट है डेड ऑफ विंटर, अ टाइम ऑफ डार्कनेस एंड एक्सट्रीम कोल्ड। डार्कनेस और एक्सट्रीम कोल्ड, कोल्ड को भी सफरिंग का ही सीज़न कहा गया है। कोल्ड भी जो होता है, कोल्ड और विंटर जो होता है वो अमीर लोगों के लिए अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके लिए बहुत तकलीफ़देह होता है, और साथ ही साथ जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए भी तकलीफ़देह होता है, क्योंकि उनके बॉडी प्रॉब्लम्स जो है, हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो बहुत आने लगते हैं
ओल्ड पीपल को। इसको कहा गया है अ टाइम ऑफ डार्कनेस एंड एक्सट्रीम कोल्ड। तो ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज है यहाँ एंड होता है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, और सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।